ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को भारत साउथ अफ्रीका वनडे मैच को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एचपीसीए ने जिला व पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न विभागों से बैठक की। बैठक की अध्यक्षता डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने की। वही सभी विभागों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को भारत साउथ अफ्रीका वनडे मैच को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में एचपीसीए ने जिला व पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न विभागों से बैठक की। बैठक की अध्यक्षता डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने की। वहीं सभी विभागों के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में लोनोबी को स्टेडियम से पेवलियन रोड की मरम्मत करवाने, शहर में स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था को बेहतर करना, स्टेडियम के बाहर से रेहड़ी फेड़ी वालों को हटाने सहित अन्य मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई। डीसी जिला कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि 12 मार्च को इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच धर्मशाला स्टेडियम में प्रस्तावित है। दोनों टीमें 10 मार्च को धर्मशाला पहुंच जाएंगी। इसी कड़ी में एचपीसीए और जिला प्रशासन की बैठक में तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रयास रहेगा कि मैच शांतिपूर्वक, अच्छे माहौल और अच्छे प्रबंध के साथ किया जाए। डीसी जिला कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि मैच के दिन बोर्ड परीक्षाएं भी हैं, इसको लेकर बैठक में मामला हमारे ध्यान में आया। कानून व्यवस्था को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, बोर्ड के एग्जाम किसी भी तरह से प्रभावित ना हो और तथा बच्चे सुबह व शाम के समय शांतिपूर्वक अपनी परीक्षाएं दे सके, इसके लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 12 तारीख को इंडिया और साउथ अफ्रीका का वनडे मैच है और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में प्रस्तावित है, और जो टीम्स हैं वो 10 तारीख को धर्मशाला पहुंच रही हैं, तो उसी संबंध में आज एचपीसीए और जिला प्रशासन जो तैयारियां हैं हमारी उसका जायजा लिया गया मीटिंग के दौरान, और हमारी कोशिश यही है कि मैच शांतिपूर्ण तरीके से और एक अच्छे माहौल में और अच्छे प्रबंध के साथ किया जाए। देखिए, इसके बारे में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड डिसीजन होगा, और इसके लिए सरकार से भी बातचीत की जाएगी। इनफैक्ट बातचीत की जा रही है, अगर इस संबंध में कोई फैसला अगर लिया जाता है सरकार के माध्यम से तो वो पक्का आपको समय रहते ही कन्वे कर दिया जाएगा। देखिए, स्पेसिफिक एडवाइजरी तो कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी सरकार के माध्यम से जारी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से भी, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भी, और समय समय पर ये जो जानकारी है लोगों से साझा की जा रही है। जहाँ तक बात रही कि एक बड़ी जो गैदरिंग है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसको लेकर क्योंकि अभी तक हमारे पास कांगड़ा जिला में कोई पॉजिटिव मामला आया नहीं है, और इसीलिए अभी इस वक्त पैनिक करने की और डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर इसके संबंध में कोई भी अगर फैसला हमें लेना होगा तो इसको सरकार के माध्यम से लिया जाएगा, और अगर ऐसा फैसला कोई होता है तो फिर आपको हम सूचित करेंगे। बिल्कुल, ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन है हमारे भी समक्ष रखी गई थी, और उसी हिसाब से जो हमारी कानून व्यवस्था की जो प्रिपरेशन है वो की जा रही है। हमारी कोशिश है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, और बच्चे कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में शांति से आके बैठ के अपना एग्ज़ाम दोनों टाइम लिख सके सुबह और शाम को, उसके लिए जो पूरी तैयारी है वो सुनिश्चित की जाएगी। एचपीसीए सचिव सुमित शर्मा ने कहा कि मैच को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मैच के सफल आयोजन को लेकर पूरा सहयोग करने का आश्वासन प्रशासन को दिया गया है। एचपीसीए की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ 12 तारीख को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले एक दिवसीय मैच की तैयारियों के निमित्त आज जिला प्रशासन के साथ एक बैठक के लिए कहा था पिछले कल, तो डिप्टी कमिश्नर महोदय ने बड़ी स्पीडअप करते हुए इस बैठक को सभी विभागों के साथ इस बैठक को संपन्न करवाया है।